जवाब तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो हो रही है यहाँ आजकल एवानों में है बदकलामी, सियासी बयान थोड़ी है। या तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, हवा जेल की वरना खानी पड़ेगी, चिट्ठी ना कोई संदेश, चल पड़ा साफ पानी केस। या होगी लाइन हाजिरी क्योंकि अब तो शिवराज निवास चौधरी। रात के इस पहर में भी हमारा इंतजार करने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? सर क्या बात, सर आज सबकी ड्रेसिंग अच्छी है लेकिन आपकी लाजवाब। सर आज आप शकरगढ़ के क्वाल लग रहे हैं। हमारी शर्ट देखें दोनों, और उन्होंने दुबई तो ली है, मैं पतोगी तो ली है, कलर देखो ही ना। लेकिन सर आज आप मेरे साथ वादा करें। जी सर। मेरे बेटे की शादी पे आप बैंड बजाएंगे? अरे बैंड वाले थोड़ी है वो यार। मेरी वाइफ ना क्रम शादी बहुत काली है, माने चंद साहब तो भी काली। एक दिन लाल सूट पा के लाल सुरखी ला के अक्रम साहब नु कह रही आगे, अक्रम मैं तेन केंजरी लग दी हाँ। वो कहते जान तू क्रिस गेल की सगी फुफी लग रही। ठाकर साहब तुसी हलवा खाते ही नहीं, इतना मजेदार हलवा, बच्चों ने तीन तीन प्लेटा खादिया, अंदरों बच्चे की आवाज आई अम्मी एक प्लेट और देना, दो किताबा रह गई जोड़न वाली। अकरम उदास साहब के घर आग लगी। अच्छा जी। इन्होंने फायर ब्रिगेड वाले ने फोन किया मेरे घर में आग लगी, उन्हें कहा पानी सुट्टो, कहते सुट रहे हैं, तो कहते असं भी पानी सुटना सी कोल्ड ड्रिंक सुटना। ठाकर साहब की एक ना फेसबुक से एक लड़की ने दोस्ती हो गई, तो टाइम बन गया मिलन का पार्क के, मैं कहते यार मोटरसाइकिल से चल तू चलाई मैं पिछे बह जाऊंगा, तो दूरों ही उन्होंने इशारे करके पार्क के उन्होंने चले गए। तो अगले दिन कहते जान मैं तुमको कैसा लगा, तो क्यों कहती तुम तो बहुत प्यारे से, तुहाडे पिछे बंदर जा कौन बैठा है। बात बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है, नेशनल असेंबली के अंदर लाहौर से इलेक्शन जीते हैं, आप सबकी ताली में जनाब अली परवेज मलिक। अली परवेज मलिक साहब के साथ हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पेजेस को भी वही चलाती हैं, आप सब की तालियों मोहतरमा सीमाबिया ताहिर। शो जी गेस्ट माशाल्लाह दोनों ही बड़े अच्छे हैं, लेकिन मेरा आज शेर जो है कि मेरा ही इक्तदार छाया था। सॉरी जी जी, मेरा ही इक्तदार छाया था, नाम जरदारी का जब आया था, मेरा ही इक्तदार छाया था, नाम जरदारी का जब आया था, यानी ये खुद ही हो गया होगा, ये केस मैंने नहीं बनाया। लेकिन मेरा जी जिस तरह नून लीग बिखरी हुई हो ना वासे एक शेर है कि तेरी बेवफाई के वार से अब हम नहीं डरते। अरे वाह वाह, तेरी बेवफाई के वार से अब हम नहीं डरते, जो पानी में एल्फी डाल के नहाते हैं कैसर, वो कभी टूट के बिखरा नहीं करते। क्या हाल चाल है आप लोगों के? पहले अली आप बताएं कि आपके खानदान में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि मैंने ना हो? बात यह है कि आप ना इंसाफी पे मबनी फैसले दर फैसले सुनाते जाएं, आपको अली परवेज दर अली परवेज मिलता रहेगा हमारे घर से। घर में इस वक्त एक छत तले कितने एमएनए मौजूद है? जी अल्लाह का शुक्र है जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब का और पार्टी की मेहरबानी है, तीन एमएनए मौजूद। आपके वालिद भी एमएनए हैं परवेज मलिक साहब, आपकी वालिदा भी एमएनए हैं शायद परवेज मलिक, और आप भी एमएनए हैं। आपकी वाइफ ने कभी इस बात पे बुरा मनाया? तो आप लोग क्या तीनों एक ही गाड़ी में निकलते हैं नेशनल असेंबली के लिए? अपनी अपनी एंगेजमेंट्स, अपनी अपनी मसरूफियत होती है यार, उसमें तो हर कोई ज्यादा की बात है, खान साहब ने ऑस्टेरिटी मूव शुरू की हुई है, आप लोग एक गाड़ी में नहीं जा सकते? वो मसला ये है कि वो ऑस्टेरिटी आपने देखी है 50 रुपए किलोमीटर हेलीकॉप्टर पर जो बनीगाला से वो जो वजीर आजम हाउस आते हैं, तो उस कॉस्मेटिक चीजों से फर्क कोई नहीं पड़ता। हर बंदा जो फैमिली के अंदर मौजूद है वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोशिश कर रहा है कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। तुसी दसो ना केड़ी गड्डी के टांगे ते जांदे जो तुसी? सर गड्डी ते जाने हैं अल्लाह ने शुक्र कीता, लेकिन क्या चिंगची दे? नहीं नहीं, मगर तीनों अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं एक ही असेंबली? नहीं सर, देखिए डिपेंड करता है ना कि एंगेजमेंट किसकी क्या है, उसके मुताबिक चले जाते हैं, अगर एक ही रूटीन हो तो उसमें सारे इकट्ठे भी चले जाते हैं, कोई इतराज नहीं। दो लोग तो आपके खानदान के पहले ही एमएनए थे, और आप तो बिजनेस साइड के ऊपर और अपने इतना
اپنی ڈگری بھی بزنس کی پہلے لی اور فائنانس کی لی اور باہر سے بھی آپ تعلیم حاصل کر کے آئے، وہیں پہ رہتے ہیں، اس طرف کدھر آ گئے آپ؟ پارٹی نے جو ذمہ داری لگائی، جن حالات میں ذمہ داری لگی، تو اس میں مناسب نہیں تھا کہ میں اس وقت اسٹیپ اپ نہ کرتا. تو وہ فائنانس والی ڈگری جو آپ نے سائڈ پہ رکھ دی ہوئی ہے؟ نہیں، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. وہ شہباز صاحب کو، نواز صاحب کو ریکویسٹ کیا ہے کہ ریلیونٹ کمیٹیز میں ڈالیں اور ملک کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. شہباز صاحب کا کیا حال ہے ویسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی، اللہ کا شکر ہے. وہ ہمت سے ہیں اور انشاءاللہ کیسوں کا مقابلہ کریں گے. محترمہ، مبارک ہو آپ کو. تھینک یو سو مچ. کس چیز کی؟ بجٹ منظور ہوا ہے، اس بات کی مبارکباد. چلے، ہم نے پھر اتنے بڑے بڑے بقول ان کے جو کارنامے کیے، اس کی مبارکباد دے رہے ہوں گے آپ؟ آپ نے ابھی مبارک لے بھی لیا، پوچھ تو لیں کس چیز کی. جب آپ مبارک دے رہے تو مجھے پتا ہے کسی اچھی چیز کی دے رہے ہیں، پازیٹو کاموں کی. جڑا تسی قرضہ لے گئے، ہاں جی، اس کی مبارکباد. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے میرے خیال میں پاکستان کو اس وقت جو درپیش حالات ہیں ان کے تحت عمران خان صاحب کا یہ جو ڈیسیجن تھا اپنے پڑوسی ممالک کے پاس جانے کا، ان سے بات کرنے کا. پڑوسی تو نہیں ہے، سعودی عرب دور ہے تھوڑا سا. نہیں مطلب، چلے ہم ان کو پڑوس میں ہی لے لیتے ہیں نا. ایک منٹ بات سنیں. نہیں نہیں، ایک منٹ، یہ آپ لوگ کون سا جیوگرافی کا میپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ غلط دیکھ رہے ہیں یا آپ لوگ؟ نہیں نہیں، واسف بھائی دیکھیں، ہمارے پڑوس میں تو انڈیا، افغانستان، چائنا اور ایران ہے. وہ بالکل بات ٹھیک ہے، ہم ان کو پڑوسی اس میں لیتے ہیں کہ ہماری ہر خوشی اور غم میں جو ہے وہ ہمیشہ شریک رہے ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور جب ان کو ضرورت پڑی ہے تو آبویسلی ہم نے انہیں سپورٹ کیا. میں نے بیسیکلی اس صورت میں، اچھا آپ اس طرح آپ لوگوں کا پڑوسی وہاں پہ. بالکل ٹھیک، پیسے تو ہمیں پتا چلے مل گئے نا، 3 بلین ہمارے پاس ہیں. پیسے ہم نے پیکج ظاہر بات ہے جو لے کے آئے، اس کے ساتھ ہم نے آئل کا بھی وہ کیا ہے کہ بھائی ڈالر دے نال تیل لے آئے نے، وہ تیل نال آ کے ڈالر گننے نے. خود پی ٹی آئی کا بندہ میں. آپ نے ووٹ ڈالا تھا اس بار؟ نہیں. ملک میں نہیں تھا نا. آپ کدھر تھے؟ میں کینیڈا گیا تھا نا انکل، آپ کو پتا ہی ہے. کینیڈا میں نہیں جا سکتا کہ میں دہشت گرد ہوں، مگر ادھر قوم کا فیصلہ. انہوں نے بتا رہے ہیں نا، طاہر القادری صاحب کے پاس گئے ہوئے تھے ارینجمنٹ سیٹل کرنے کے. اس اگر اصول کے تحت میں دیکھوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبر تو ہے نہیں. خیر، انہوں نے کہا کہ ووٹ شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے ڈالا ہو، تو یہ طاہر القادری نے نہیں، انہوں نے خود کہا. انہوں نے کہا ووٹ تم نے ڈالا ہی نہیں، وہ تو مگر یہ پاکستان سے ہیں اور یہ کینیڈا گئے تو یہ طاہر القادری صاحب کو ملے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے ایک فگر ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. تو اس لحاظ سے اسحاق ڈار صاحب الطاف حسین کو ملنے گئے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جن حالات میں گئے ہیں اس کا وہ انہوں نے خود بھی، کیونکہ ان کے معاملات کورٹ میں بھی چل رہے ہیں، انہوں نے کورٹ کے اندر اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی میری طبیعت، بیک کی انہوں نے پرابلم بتائی ہے جس کی وجہ سے میں ٹریول نہیں کر سکتا ہوں، اور اس کے اوپر کورٹ اپنی کاروائی کر رہا ہے جو اس کے مطابق بہتر سمجھتا ہے. میں تو ابھی بیک ویک پہ نہیں آیا، جب وہ ٹریول کر کے گئے تو ٹریول کر رہے تھے جی بالکل، اور اسپیسیفکلی وہ انگلینڈ گئے، انگلینڈ کے اندر الطاف حسین صاحب بھی ہوتے ہیں. نہیں، وہ گئے کسی میٹنگ کے لیے، وہ سینٹرل ایشین ریپبلک میں تھے اور اس کے بعد آگے انگلینڈ گئے. پروگرام ہے واپس آنے کا؟ اس کا مجھے معلوم نہیں ہے، بٹ کوئی بھی پاکستانی ہو اس کو جو بھی چارجز ہوں، جس طرح میاں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ نے فیصلہ کیا کہ چاہے چارجز جتنے بھی ہوں آ کے اس کا ہم سامنا کریں گے اور چیزوں کو ہیڈ آن فیس کریں گے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ڈار صاحب بھی جب ٹریول کرنے کے قابل ہوں گے تو ضرور آئیں گے اور اپنے ان سارے معاملات کا جواب دیں گے. اسے جمعہ پڑھن ویل چیئر تے جاندے نے؟ او ویل چیئر تے نہیں، ٹی وی تے تسی 2-4 دفعہ ریکارڈنگ دکھائی ہے، چل کے تے جا رہے نے، پر اے تے انہاں دے کولے ڈاکٹروں کولو پوچھ سکدے ہو، میں تے ڈاکٹر ہیگا نہیں کہ تانوں اوندا جواب دے. صاحب کو چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ بے قصور ہیں، کوئی جو ہے انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوئی، کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی ہوئی، تو ہی شوڈ کم بیک ٹو پاکستان. نہیں، کمر کا مسئلہ کہاں سے آ گیا واسف بھائی؟ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں، آپ لوگوں سے مل رہے ہیں، آپ میڈیا والوں کو فیس کر نہیں رہے. ٹھیک ہے، میڈیا والے جب آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ دروازے بند کر رہے ہیں اپنے، اور بار بار دکھایا بھی جا رہا ہے کہ آپ وہاں پہ آپ چل پھر بھی رہے ہیں. آپ لوگ انکوائری کے لیے انگلینڈ کیوں نہیں بھجوا دیتے؟ نہیں مطلب وہ ان کا مسئلہ نا، وہ بےچارے ٹریول نہیں کر پا رہے. نہیں نہیں، بالکل کمروں کا ایشو نہیں ہے، اور میرے خیال میں اب ایسا ہونا چاہیے. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے واسف بھائی، جیسے ہی ہم کوئی اس طرح کا سٹیپ لینے لگتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ایک دم جمہوریت کو خطرہ ہونا شروع. نہیں نہیں، ابھی تو خان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی جمہوریت کا کوئی سین نہیں ہے، پوری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تو آپ لوگ کیوں نہیں بھجوا رہے؟ ہونا چاہیے جی، بالکل آپ ہونا بھجوائیں، بالکل ہونا چاہیے. اور آپ کا بھجوا رہی ہیں مجھے بتائیں واسف بھائی، میں بات کر کے سی ایم صاحب سے بھجوا رہی ہیں نا. نہیں دیکھیں، بالکل جی، انشاءاللہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. انگلینڈ بھجوائیں ان کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آپ کو قسم ہے کہ آپ نے ابھی زلفی بخاری والے جہاز میں بھجوانا ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں زلفی بخاری جائیں گے نا انگلینڈ. سمپل سا میرا اس چیز کا جواب ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کہ دیکھیں
जुल्फे बुखारी जो हैं उनका टोटली स्टेटस जो है वो डिफरेंट है। मैं तो छोटी सी मिसाल में किसी बहस में मैं बगैर बिल्कुल आपको जवाब दे आप लगता है दोनों ही सच्चे ने असी झूठे। जब वो खिलते गुलाब जैसा था सुस्त वो इख्तिसाब जैसा था मेरे घर वो कभी नहीं आया हाय वो इनकलाब जैसा था बोलता क्यों नहीं है वो डीजे जिसका लहजा तेजाब जैसा था बोलता नहीं है मेरी मामा फेल इन लव शादी हो गई कोको कोरिना की वजह से कोको कोरिना ठीक है ते कोको कोरिना की वजह तो मेरी मामा बीमार हो गई भाई गाना खराब ही करना सी ते मैं कल्ला ही काफी था। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। सीमाबिया जी आप खुद किस किस को फॉलो करती हैं? मेरी जो इंस्पिरेशन रहे हैं वो फैसल भाई हैं, फैसल जावेद हैं। फैसल भाई ने बहुत काम किया है इस चीज के देखती रही हैं। मीम्स कौन बनाता है? ये जो है हमारी पूरी टीम है। अच्छा वो जो मियां साहब पे मीम्स बनती है वो आप लोगों की टीम बनाती है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप। नहीं देखिए वासी भाई बात ये है कि हमारी जो अपनी ऑफिशियल सोशल मीडिया है ना ठीक है हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग कभी भी एक तो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है कभी भी वो हम नहीं करते अब्यूसिव लैंग्वेज जो हमारी ऑफिशियल मीडिया है। तो ये अनऑफिशियल वाले बनाते हैं। मैं वही आपको बता रही हूँ जो हमारी ऑफिशियल सोशल मीडिया है हमारे कुछ अपने नॉर्म्स हैं जिनको जो है हम फॉलो करते हैं ठीक है जिन पे हम किसी सूरत में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और हमारी कभी ये नहीं होती कि हम किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो करें। देखिए सब कितनी अच्छी बात कर रही हैं वो आप करेंगे इनकी इस बात की देखिए उसकी इरादे इरादे तो इन्होंने बारहा बताया है कि हमारे बड़े अच्छे हैं मगर जो उनके एक्शंस हैं वो मेरे ख्याल से सारी दुनिया बखूबी वाकिफ है कि कंटेनर पे चढ़ के खान साहब किस किस्म के लहजे में किस किस्म की गुफ्तगू करते रहे आज तक वो किस माइंडसेट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स तो हम इसके ऊपर छोड़ देते हैं बाकी नीयत इनकी हम अप्रिशिएट करते हैं। देखें मैं आपको एक बात बताऊँ वासी भाई जिस पे अली भाई बात कर रहे हैं मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं बात यह है कि उस तरह से तो शहबाज शरीफ साहब ने भी जिस तरह के माइक्स तोड़े हैं जिस तरह से डाइसेस तोड़ी हैं जो जो काम उन्होंने किए हैं कौन देगा उसका बिल वो जो माइक तोड़ गया 16,500 रुपए का नुकसान होया माइकों की खैर है जी अब अगर इस पे आपको नैब वाले ले गए दोबारा से नहीं वो जो कंटेंट है मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब ने किसी जगह पे कोई अब्यूसिव लैंग्वेज देखें उन्होंने तकरीरों के अंदर ये जरूर कहा था कि मैं जरदारी साहब को घसीटूंगा और पैसे लेके आऊंगा उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं ना जी बट उन्होंने लांग टाइम मैं आपसे खुद बात कर रहा हूं ना जी कि उन्होंने जो इमरान खान साहब का जो कंटेंट और जिस किस्म की गुफ्तगू वो करते रहे हैं या उनके सपोर्टर करते रहे हैं मेरी बहन ने यकीनन नहीं की होगी इन्होंने ना इनकरेज किया होगा पर वो सारा कंटेंट लाहौर की या पाकिस्तान की आवाम के सामने है उसको जितना हम ना डिस्कस करें मेरे ख्याल से मुनासिब है बिकॉज़ अच्छा, इस किस्म के फोरम्स के ऊपर हमें भी जिम्मेदारी बात सुने बाजी ना आपके हमने कंटेनर वाले डिस्कस करने हैं ना आपका वो गलियों में घसीटना डिस्कस करना है वो आपने भी किया बस छोड़े मगर वो माइक के पैसे कौन देगा वो देखें वो जो माइक जिसके थे उसको आई एम श्योर कॉम्पनसेट कर दिया गया होगा मगर अगर नहीं हुआ तो नेशनल टीवी पे आपके मैं कह देता हूँ कि मेरे से रब्ता कर ले मैं लुक आफ्टर कर लेता हूँ। आप रिकवरी करने पे तुले हुए आजकल फॉरन 16,500 तो निकलवाए माइक वाला मांगता ही नहीं। अच्छा सुभाष जी सानू ते घर जाके गया जो हूँ पैसे मंगे मैं घर ढा के पुल बना देंगे। पापा ने कान फड़े सी अम्मी कुर्सी ते बैठे थे फंक्शन करन ना उथे यूनाइटेड स्टेट। अच्छा उथे किधरे मेरा पापा गा रहा सी मेरी मामा किधरे यूनिवर्सिटी जा रही सी उन्होंने सुनिया ते वो बड़ी पटासर हो गई मुतासर हो गई मेरी मामा ने क्या एदा मतलब दसो। अच्छा
और जिस वे मेरे पापा ने मतलब दसिया मेरी मामा fell in love. शादी हो गई कोको कोरिना की वजह से. कोको कोरिना ठीक है ते कोको कोरिना की वजह तो मेरी मामा बीमार हो गई. भाई गाना खराब ही करना सी ते मैं कल्ला ही काफी था. मेरी मामा कहती है कम बैक. मेरी मामा का ब्लड प्रेशर लो. सो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग आई एम गोइंग बैक टू द यूनाइटेड स्टेट. शुक्र टिकट मैं ले लिया. अरे दैट्स ग्रेट. तो अनु टेंशन लेने की लोड़ नहीं. आई एम सो हैप्पी. बस उधर च 9000 काटे. 9000 अब बाकी मैं दे आया हूं. कितने काटने? 9000 असली नहीं देने देना. टेंशन ना लेई. आई नीड 9000. आई डोंट हैव इट. मे बी यू कैन ट्राई विद द गेस्ट. मैं नहीं उनको लेने. क्यों? पीटीआई वालों को मैं नहीं मंगना. बड़े कंजूस ने. अरे किसे नून लीग वाले का पता मैं दियो. मैं उनके घर जावन. नून लीग ही अच्छे ने. अरे नून लीग वाले एमएनए साथ बैठे हैं. किथे? अली मलिक ये सूट वाले. दिस गाय यस एमएनए ने और कड़ा पिते का ऑपरेशन कराना है ने. नहीं थे इलेक्शन लड़े ने. इलेक्शन लड़े जीते. लाहौर से एमएनए है. दिस इज नून लीग. इनकी वालदा भी एमएनए. वालिद साहब भी एमएनए. ओ आई लव नून लीग. यू नो जब नून लीग होती सी ना रोज रोटी खा के सौंदे से. ओ वोटां पाओ वोटां पाओ तुसी भी कुछ पाओ. वोटां पाओ वोटां पाओ ओ वोटां पा के ते शेर नूं जिताओ. मियां दे नारे बजने बजने मियां दे नारे बजने बजने जी मियां दे नारे बजन लगे जी. बिजनेस है उनका अपना. अच्छा जी. हाँ माशाल्लाह जनरल स्टोर है. अबे कोई यार बड़ा है थोड़ा जनरल स्टोर. अच्छा बड़ा बड़ा जिस तरह मतलब बड़े बड़े अल्लाह करम है. अल्लाह करम है. स्टोर का नाम है. वेलकम बैक टू मज़ाक रात. सीमाबिया जी आप अब लाहौर आती हैं असेंबली के सेशन अटेंड करती हैं तो आप भी वो पुल इस्तेमाल करती हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाए. कभी आपकी गाड़ी भी उस अंडरपास के नीचे से गुजरती होगी जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया. वो सड़कें जिनके ऊपर आप लोग अपनी अपनी प्राडवे भगाते हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई. तो याद तो आते होंगे उस जगहों पर. उन्होंने जहाँ पर डिवेलपमेंट की है हम मानते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. बहुत अच्छी बात है. लेकिन जिस चीज पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था हमने उस चीज पे इन्वेस्ट नहीं किया. आप लोग आ गए हैं ना बाप करेंगे. बिल्कुल करेंगे. मगर मुझे ये बताएं कि वो उन जगहों को तो अप्रिशिएट करते हैं जो बना गए हैं वो. जी कर रहे हैं. मजा आता है ना मोटरवे में चलाते हैं. आप इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती है ना. आप कैसे आती हैं लाहौर? भाई मैं जीटी रोड भी मोटरवे से आती है ना. मोटरवे से भी जीटी रोड से भी. मगर ज़्यादा किधर से आती है? सच सच बताइएगा. वैसे भाई ज्यादा ये होता है कि अगर जल्दी मतलब हमें आना हो तो फिर कोशिश होती है कि मोटरवे से आ जाए. वही मोटरवे जो मियां साहब ने 1907 के इधर बना दी. नहीं देखें तो हम मानते हैं. हमने ये तो कभी नहीं कहा कि उन्होंने गलत किया है. देखिये ये चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी एक पहचान बना दी. खूबसूरती बढ़ाता है आपकी मुल्क की. अगर वो खूबसूरत बनी हुई हो और उसको आप मेंटेन कर रहे हो तो वो बिल्कुल ठीक है. लेकिन जहाँ तक मेरे जैसे कई माएँ यहाँ बैठी होंगी ठीक है एक माँ की हैसियत से अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए एक घर से ज्यादा जरूरी चीज मेरे बच्चों की तालीम है. जबरदस्त स्टेटमेंट दे दिया सीमाबिया जी आपने कि घर से ज्यादा जरूरी बच्चों की तालीम है. तो पहले 50,000 घर क्यों बना रहे हैं आप? मैं आपको बता रही हूँ मुल्क की आमदनी 300 अरब डॉलर की है और वो घर जो बनाने हैं वो 180 अरब डॉलर के बनाने हैं. ये सही कह रहे हैं. अभी जैसे जैसे घर बनेंगे तो खुद इनको आइडिया हो जाएगा. हमारी कोशिश यही है कि हमारे वो लोग कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको घर बना के. अगर फिर आप ये कहें ना कि पहले घर ज्यादा जरूरी है. मैंने अपनी बात की है. उसकी रीजन ये है कि जब इंसान जो है वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है ना एक मीडियोक्रेसी की हम बात करते हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अगर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं ना तो उनके लिए जो है वो इतनी ये घर जो है ये बुनियादी जरूरत नहीं रहता फिर ठीक है. लेकिन वो शख्स कि जो रोड पर सोता है हर रोज जो अपनी फैमिली को सर्दी में ठिठरता देखता है जो गर्मी में उस पसीने में लोग मर रहे होते हैं तो उनके लिए घर सर्दी आ रही है. आप इतना सीरियसली इनके वादों को ना लें. देखें सोशल सेक्टर की बात की ना इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोशल सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. मगर इनके जो अमाल हैं पिछले 5 साल के अंदर केपीके के अंदर वो भी तो देख लें ना जरा. मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने मेरे अकेले हल्के के अंदर 2 नए अस्पताल इस लाहौर शहर के अंदर बनाए. इन्हें बीमार जो तुम इन्हें बीमार जो रेडी वन
कौन सी वाली? माय डियर बेस्ट फ्रेंड जनाब उस्मान मजेदार साहब दी। बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब दी। यार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है? मैं सामने बैठा था। अच्छा। यार मैनू तो पहली बारी पता लगा। क्या? अपना उस्मान साहब। हाँ। बोले ने। हाँ हाँ बोले। सर बोले ने। हाँ बोले। यार मैं हैरान हो गया, मैंने से पहले पता। अच्छा। देखिए कि जायज काम कोई रुकेगा नहीं। हाँ। और नजायज काम कोई होगा नहीं। ओए 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 क्या बात है यार, वाह वाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे ना, मैंने इशारा किया नहीं। हाँ। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि मैं मेल के जामी उन निकल जामी। ठीक है। अच्छा। मैं तो उन्होंने दे इशारे भी सब महीना। क्या? अच्छा। बोले ने। हाँ हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है ना। हाँ। ते मैंने हल्का जा इशारा किया ना कि मेरे नाल। ठीक है। हाँ। मैं फिर नाल गया तो मैंने कहते ने कि यार मैं कह ते दिता। हाँ। ते मैनू किवें पता लग गया भी नजायज काम केड़ा ते जायज काम केड़ा। यार कैसे ज़हीन आदमी ने। तो आपने क्या कहा? मैं उन्हें दस्या, मैं कहा सर जेड़े काम पीटीआई वाले कहन। हाँ। वो जायज ने। हाँ। जेड़े नून वाले कहन वो नजायज ने। वाह 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 वाह। यार बड़ी मैनू दाद दित्ती ने। अच्छा। मैनू अगो उन्हां ने किया क्या देसी है ही नहीं। अच्छा। बात समझ गया ने, मैंने कहते ने बस हूं तू मेरे नाल टच रहना। ठीक है। गल भी वजीर वाला बोल रहे है। हाँ। घटवाद बोलते ने। हाँ। बड़ा जहीन आदमी घट बोलता ना। जहीन आदमी घट बोलता है। तुसी पढ़े लिखे ते है नहीं। हाँ। उत्तर बेवकूफ आदमी नू बोल बोल के दसना पैंदा कि मैं बेवकूफ हाँ। हाँ जी। ते स्याने आदमी नू खामोश रह के दसना पैंदा कि मैं अकलमंद। मैं हुण जा रहा उस्मान बुज़दार साहब नाल, उन्होंने कहा कि 14 घंटे मेरे नाल रहना। वाह वाह। बोले ने। अच्छा मुझे पता चल गया, उनकी पार्टी के लोग ही बैठे हुए। उन्होंने भी ओ एक और ने कौन से कॉलेज? हां मैं बाजी रहूं तो मैं जानना जी। ए ते ओ बिम्बर यूनिवर्सिटी विच पढ़दे सन ते मैं उथे चौकीदार सन। हैं? हां बिम्बर यूनिवर्सिटी आजाद कश्मीर पढ़े हो ना जी तुसी? MNA MPA ने कोई MPA? हां PTI। यस। अपना बच्चा कौन है? बच्चा नहीं है, यंग। इन्हें तो मैं किधर देखा? आप इनके वालिद साहब को भी जानते हैं, वालदा को भी जानते हैं। परवेज मलिक साहब के बेटे ने? यस। ओ माय गॉड। ओह इन्हें तो असेंबली जाने की लोड़ ही नहीं। अच्छा। अपने घर के ड्राइंग रूम में 3 MNA बैठ के अपने कानून बना के आप उठे यार। हां उनके घर के बीच ही माशाल्लाह असेंबली है। यस। हां ये पेट्रोल बचाने हैं। अच्छा। जानते ही नहीं? नहीं वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग जाते हैं। अच्छा अच्छी गल है, अलग अलग जाना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। क्यों? कानून साजी नहीं करनी होती ना। हाँ तो असेंबली में जाके अलग अलग मशवरा देंगे तो कानून साजी होगी। ठीक है सर। परवेज मलिक साहब नाल मैं बड़ी ड्यूटी की थी। चले जबरदस्त। बड़े वंडरफुल आदमी ने। काम की कर देने? पता नहीं। MNA है। ओहो यार MNA MPA है ने, हुकूमत है इतना ही ना। हाँ। भाई हुकूमत है ना हो बंदा ते फिर कितू खाना पींदा? बिजनेस है उनका अपना। अच्छा जी। हाँ। माशाल्लाह जनरल स्टोर है। जी, बिल्कुल जनरल स्टोर है यार। बड़ा है थोड़ा जनरल स्टोर। अच्छा बड़ा बड़ा जिस तरह मतलब बड़े बड़े स्टोर। अल्लाह करम है, अल्लाह करम है। स्टोर का नाम है? से किसके ऊपर आप उस दवाई की पहली टेस्टिंग करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी। परवेज खटक। खास वजह? बोलते बोलते भी होश हो जाते हैं। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। जी अजीबोगरीब क्या है? जी खबर है यूक्रेन से, जहां पे ऐसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली शॉपिंग बैग्स, कप्स और स्ट्रॉस तैयार किए गए हैं जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद खाया भी जा सकता है, और ये सब नेचर प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के मदद से तैयार किए गए हैं, और अगर इन्हें खाया ना भी जाए तो ये 21 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी बिना किसी नुकसान के माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। बड़ी गल है अकरम साहब, शापर का फायदा बोझ की 2 किलो शापर च अमरूद पाओ ते शापर समेत ही खा जाओ। 2 किलो अमरूद लैन की लोड़ है, उन्होंने कहा 2 किलो शापर ही दे दे बस। बच्चे नु कहेंगे रोटी खा ले, कहेगा नहीं 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 मैं तो सब्जी लैन गए उत्थों शापर खा ले। बंदे ने डॉक्टर को जाके क्या करना, मेरे पेट से दर्द है जी, शापर हजम नहीं हो रहे। डॉक्टर ने भी दवाई दे के कहना है दवाई जे शापर जे देती शापर समेत ही खानी है। ठाकर साहब इतने कमजोर वाला क्यों ने? क्यों शापर खा खा ते पड़े ने बेचारे। बाजी ऐसी खबरें ना पड़ा करें, अगर इमरान खान साहब ने सुन लिया तो वो अपनी काबीना से कहेंगे बिस्कुट छोड़ो शापर खाओ।
हमारा सेगमेंट है 2020 का, जिसके अंदर आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ, सात ऑप्शंस देता हूँ, यू हैव टू मेक देम एज योर आंसर्स और पिक देम एज योर आंसर, और कहीं पे आपको लगे कि आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं देना चाह रहे या पा रहे, तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेक्शन में से सवाल उठा सकते हैं। तो कौन आप में से पहले करना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट किया जाए। तो ये बता दीजिए, किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी, किसका फोन आए तो आप मैसेज पे जवाब देंगी, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुज़दार और गवर्नर सरवर। तो किसका फोन आए तो उठाएंगी सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले अगर फोन आएगा तो मैं चौधरी सरवर साहब का उठाऊंगी। चौधरी सरवर साहब का फोन उठ गया सबसे पहले, बिल्कुल। मैसेज पे जवाब किसको मिल रहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब को। थर्ड ऑप्शन जो है वो उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब, आपका फोन आया तो अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगी। ऑप्शन मुझे समझ नहीं आई थी थर्ड वाली। अच्छा, फोन तनु आ जाएगी। सॉरी, फोन आ जाएगी। जरूर, लेकिन आपका थर्ड ऑप्शन बड़ा खराब है। जी, हम इस तरह कर लेते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको हम थर्ड पे ले जाते हैं और सेकंड पे। ठीक है, चौधरी सरवर साहब का फोन फौरन उठेगा, मैसेज पे जवाब मिलेगा उस्मान बुज़दार साहब को, और जिनका फोन काट दिया जाएगा और अपना फोन बंद करके रख देंगी वो हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब को अगर आपने नहीं थी लिफ्ट कराई तो ये आपकी कॉल है। ठीक है, ये बताइए मैडम, आप लोग बनीगाला जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रही हैं, अपनी गाड़ी के अंदर कौन से चार लोग अपने साथ लेके जाना चाहेंगी टूवर्ड्स बनीगाला? जो ऑप्शन आपके पास है वो है अली अमीन गंडापुर, अली मोहम्मद खान, परवेज खटक साहब, मुराद सईद और फैसलवाड़ा। अली मोहम्मद खान साहब सबसे पहले। ठीक है, मुराद सईद। ठीक है, अली अमीन गंडापुर के अलावा सारे। अली अमीन को खास वजह? वजह उसकी ये है कि बेसिकली मैंने बाकी सबके साथ काम किया हुआ है। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब का ताल्लुक है तो उनको मैं वैसे जानती हूँ, बट मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। ठीक है, तो दिस इज द ओनली। अली अमीन गंडापुर साहब, आप होंगे गाड़ी से बाहर सड़क के ऊपर। ये बताइए, एक चेयर लिफ्ट है जो कि दो पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई है, और आप उस चेयर लिफ्ट पे बैठी हुई है, नीचे खाई है, ऊपर बादलों में आप है, और 6-7 घंटे इस चेयर लिफ्ट में फंसे रहना यहाँ पे। तो ये बताइए कि इस चेयर लिफ्ट पर आप अपने साथ किसको बिठाना चाहेंगी फॉर द नेक्स्ट 6-7 आवर्स? ऑप्शंस आपके पास है राणा सनाउल्लाह और रिहाम खान। अगर ऐसी बात हो तो फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं मेरे ख्याल में राणा सनाउल्लाह साहब को मैं चूज करूंगी। आई वोंट गो फॉर रिहाम खान। राणा सनाउल्लाह ये वक्त, बिकॉज उसमें एक रीजन मैं आपको बताऊं। राणा सनाउल्लाह साहब के साथ इसलिए मैं 6-7 घंटे गुजार लूंगी कि मैं उनसे ये पूछूंगी कि वो इतना अरसा ये जो कानून के मिनिस्टर रहे हैं तो उन्होंने किया क्या है, तो वो जिसमें राम लिख दी 1400 पेजेस की, उनसे नहीं पूछना। ये बताइए मैडम, एक ऐसी दवाई बनी है जो दुनिया में मौजूद हर बीमारी का इलाज कर सकती है, मगर अभी उस दवाई की पहली टेस्टिंग होनी है, इनमें से किसके ऊपर आप उस दवाई की पहली टेस्टिंग करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी। परवेज खटक। खास वजह? वजीर बोलते बोलते भी होश हो जाते हैं। कोई खास वजह? मेरा ख्याल है उनको जरूरत ज्यादा है। तो अभी तो आप टेस्टिंग कर रही हैं सिर्फ? नहीं, टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग भी जो है उन्हीं पे ही होगी ना जो उसको बेयर कर सके। तो परवेज खटक साहब ने वो हर चीज को क्योंकि बेयर करते रहे। ठीक है, तो परवेज खटक साहब पे दवाई टेस्ट होगी। ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रही है, दो VIP पास आपके पास है, इनमें से किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शन आपके पास है जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी। जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब को ऑप्शन में इसलिए ले रही हूँ बिकॉज जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने हमेशा जो है वो पार्टी के लिए, उन्होंने हमेशा मुल्क के लिए, लोगों के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। ना हेल, वो बेचारे हो गए इस चक्कर में और आखिर में आप उनको टाइटैनिक पे साथ ले गई। अल्लाह किसी को ना हेल ना करे, बहुत सारी तालियां। जी सर, अली भाई तैयार हैं आप? हुकुम सर। सर फिर ये बता दीजिए, आप भी जा रहे हैं जाती उमरा, ठीक है जी, और गाड़ी आपकी अपनी है, इनमें से किस किस को अपने साथ अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मुसद्दिक मलिक, राणा सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, आबिद शेर अली और ख्वाजा आसिफ। आबिद साहब क्योंकि इस दफा असेंबली में नहीं है तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी देर बाद में आ जाइएगा, बाकी सब मेहमानों को। हल्के जो भी बाहर हो गए थे, बाहर जाती हूँ, वक्त
कैसा बदलता है, अल्लाह क्या करे। सर ये बता दीजिए, इनमें से किसके साथ ली गई सेल्फी को आप सोशल मीडिया पे लगाएंगे, किसके साथ ली गई सेल्फी को आप अपने फोन की गैलरी तक रहने देंगे, और किसके साथ ली गई सेल्फी को आप डिलीट ही कर देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और हनीफ अब्बासी। किसके साथ ली गई सेल्फी को आप सोशल मीडिया पे लगा? हनीफ अब्बासी साहब जी, क्योंकि वो शायद अभी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो सॉलिडेरिटी में उनके साथ सोशल मीडिया के ऊपर लगाई जाएगी हनीफ अब्बासी के साथ। वैसे एक चीज क्लियर कर चलूं, इन्हीं हरकतों की वजह से हनीफ अब्बासी फंस गए हैं कि जो आप तस्वीरें लगा देते ना सोशल मीडिया पे। बिल्कुल ठीक है जी, चले। मगर दूसरा दानियाल चौधरी और दानियाल साहब की रख लेंगे। और किसकी डिलीट कर दी जाएगी? अब तलाल साहब ही रह गए जी, उनसे माजरत करके उनकी डिलीट कर देंगे जी। तलाल चौधरी साहब, आपकी सेल्फी डिलीट कर दी जाएगी, आप खुद ही मैसेज ढूंढ लें इसके अंदर क्या है। हां जी, ये क्यों समझ आओ। बिल्कुल। ये बताइए सर, आप भी एक चेयर लिफ्ट के ऊपर फंस गई, चेयर लिफ्ट दो पहाड़ों के दरमियान, नीचे है खाई ऊपर बादलों में चेयर लिफ्ट, 7-8 घंटे चेयर लिफ्ट नहीं हिलनी, इनमें से किसको अपने साथ आप चेयर लिफ्ट के ऊपर बिठाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं इमरान खान और रिहाम खान। रिहाम खान की किताब तो मेरे ख्याल से काफी लोगों ने पढ़ ली हुई है, क्योंकि उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल थी जी। तो जरा खान साहब से बिठा के पूछेंगे कि उन्होंने ये जो अमाल किए और इस मुल्क के साथ मजाक किया है, उसकी क्या जिम्मेदारी, उसका क्या एहसास है। तुसी इमरान खान साहब से गल करनी थी, उन्होंने कहना अपने अब्बू को भेजो, तुम अभी बच्चे हो। सर ले बताए फिर, किसका फोन आया तो फौरन उठा रहे हैं, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके अपना साइड पर रख रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं साद रफीक, परवेज रशीद और एहसन इकबाल। इकोनॉमी वगैरह के ऊपर जो ज्यादा काम होता है वो मेरा एहसन इकबाल साहब के साथ होता है। एहसन इकबाल साहब का फोन उठ गया जी। बिल्कुल। मैसेज पे जवाब किसको मिल रहा है? ख्वाज साहब के साथ बहुत पुराना ठीक है जी, तो ख्वाज साहब से माजरत करके कि आपको थोड़ी देर बाद फोन कर लेते हैं, तो उनको मैसेज पे जवाब दे देंगे जी। किसका फोन आया तो आप फोन बंद करके साइड पे रख रहे हैं। तीसरी ऑप्शन कौन सी रह गई है? तीसरी ऑप्शन जो आपको याद भी नहीं है, परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब नहीं, हमारे वो लाहौर के सीनियर हैं, अगर उनके साथ कोई गुस्ताखी होगी तो उनके पास खुद जाके उनसे माजरत कर। मगर फोन तो आपने बंद करके रख दिया ना साइड पे। ऐसे इकबाल साहब का फोन उठेगा, मैसेज पे जवाब मिलेगा साद रफीक साहब को, और परवेज रशीद साहब का जब फोन आएगा तो ये अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने परवेज रशीद के फोन उठाए थे वो बहुत साइड पे हो चुके हुए थे। सर आखिरी सवाल, डूबती कश्ती, दो लाइफ जैकेट्स, एक आपने पहन ली, दूसरी आप किसी और को दे सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप इनमें से किसको बचाना चाहेंगे? ऑप्शन आपके पास हैं हमजा शहबाज और मोहतरमा मरियम नवाज। मेरी जिम्मेदारी जो इस हल्के के अंदर लगाई वो मरियम नवाज साहिबा ने लगाई हुई है। हमजा साहब हमारे एक लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, पर मेरी अवलीन जिम्मेदारी होगी वो मरियम साहिबा के लिए होगी, और वो खातून भी हैं, उनको लाइफ जैकेट दे के ज़रूर उनको देंगे। लाइफ जैकेट मिली है मोहतरमा मरियम नवाज को। हमजा शहबाज साहब, आपको 5 साल पंजाब का ख्याल रखने के बावजूद लाइफ जैकेट नहीं मिलेगी, ये इनका फैसला है। बहुत सारी तालियां अली के लिए। अली साहब थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स आप दोनों को।